हमारा अगला प्रश्न है कि आप क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? ये प्रश्न तो एक बात है अंजन भाई, जब व्यक्ति को किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है जी तो वो होता है कि उस चीज को वो वैल्यू करना समझ जाता है। एक बेटा भी जब तक अपने पिता के पैसे उड़ाता है, पिता के पैसे खर्चा करता है, तब तक उसे पैसे की वैल्यू नहीं रहती। वो 5-स्टार होटल में जाएगा, घूमने जाएगा, उसको वेटर को टिप देने में भी, मतलब वो कहीं पर भी पैसे की सोचेगा नहीं। लेकिन जी वही पुत्र जब खुद कमाने लग जाता है तब उसे पैसे की वैल्यू समझ में आती है। एक व्यक्ति जब खुद मतलब उस स्थिति से, या फिर जैसे हम समझे एक स्टूडेंट है, जब तक अपने उस लाइफ के एग्जामिनेशन वाले फेज में नहीं पहुंचता तब तक उसको सब चीजें बहुत इजी लगती है, लेकिन जब उसको भी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है तब वो उसको वैल्यू करना सीखता है। तो मुझे लगता है आज तक जिस भी व्यक्ति ने दीक्षा ली है उसने मनुष्य भाव की दुर्लभता को समझा है, और जो आज जी तक संसार में अटका हुआ है उसने अभी तक मनुष्य भाव की दुर्लभता को नहीं समझा है। मतलब 84 लाख जीव योनियां हैं और उसमें हम चुनिंदा सेलेक्टेड लोग हैं जिनको क्या मिला, मनुष्य भव मिला। परमात्मा जी ने भी जो 4 दुर्लभ बताए उसमें परमात्मा ने भी बताया कि मनुष्य भव, सम्यक श्रद्धा, और सम्यक श्रद्धा मिलने के मतलब जिन वचन सुनने को मिलना, जिन वचन सुनने को मिले उसमें सम्यक श्रद्धा, और सम्यक श्रद्धा होने के बाद भी उस संयम में पुरुषार्थ करना, ये 4 चीजें परमात्मा ने अति दुर्लभ बताई। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी जब धीरे धीरे मनुष्य भाव का इम्पोर्टेंस समझ में आया, मनुष्य भाव की दुर्लभता समझ में आई, तो कहीं ना कहीं भीतर एक वो बीज आ गया था कि जीवन को सार्थक करना है। तब तक ये भाव तो मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे को संयम लेना है, ये भाव आ गए थे, लेकिन ये भाव तो निश्चित आ गया था कि जीवन को सार्थक करना है, जीवन को वेस्ट जी नहीं करना है। अब मतलब फिर वो फील हो गया कि जीवन अमृत है चेतन राजा, ढोलो कम पियो ज्यादा, बस वो जो एक लाइन थी वो एकदम माइंड में सेट हो गई थी। फिर धीरे धीरे फिर मैं अपनी लाइफ में ही नोटिस करने लगा कि हम कोई भी चीज जब देखते हैं ना अंजन भाई, जब मान लेते हैं हम फर्नीचर लेने ही गए तो हम कैसा फर्नीचर देखते हैं, जो ड्यूरेबल हो, जल्दी जी खराब ना हो, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग टर्म तक जो हमारा साथ दे। घर भी बनाते हैं तो हम घर भी ऐसा कंस्ट्रक्शन को इतना ध्यान में रखते हैं कि लंबे समय के लिए हमारा घर एकदम व्यवस्थित रहे, कहीं पर भी कहीं पर भी क्रैक या वो सब ना आए। मतलब कोई भी चीज हम देखते हैं जो लॉन्ग टर्म चले, ड्यूरेबल हो या फिर परमानेंट हो। जी तो वही चीज मैंने सोचा कि हम सब चीज परमानेंट चाहते हैं तो फिर ये जो सुख है, परमानेंट सुख क्यों नहीं चाहते संसार में? क्योंकि जितने भी सुख हैं या जो सुखानुभूति है, मैं यूं कहूं तो वो हम क्षणिक है, कुछ जी समय के लिए हमारे साथ है, लेकिन वो कब सुख दुख में परिवर्तित हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बस फिर जी अंदर में एक वो भीतर वो लागनी जागी कि अब तो जो सुख पाना है वो परमानेंट वाला पाना है, और वो जो टेम्पररी सुख है उसके पीछे तो अब नहीं भागना है। और जब ये चीज समझ में आ गई कि भैया मेरे को तो परमानेंट जो चीज है वो मेरा गोल बन गया है, परमानेंट सुख पाना मेरा गोल बन गया है, तो मन में ये 3 पॉइंट्स जो थे वो एकदम फिट हो गए कि पहला तो मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, और मैं स्वाधीन होना चाहता हूँ। सुखी होने के लिए स्वाधीन और स्वतंत्र होना पड़ेगा, जब तक स्वाधीनता और स्वतंत्रता नहीं है व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख तो परतंत्रता में ही है। जब तक हम किसी पे डिपेंडेंट हैं तब तक दुख है। सुखी होने के लिए हमें स्वाधीन होना ही पड़ेगा, और स्वाधीन होने का एक ही मार्ग है, वो है संयम जीवन। जी एक बात यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा अंजन भाई, मेरा जो दीक्षा का मुहूर्त आया तो दीक्षा मुहूर्त उद्घोषणा का दिन था 15 अगस्त, 15 अगस्त स्वतंत्रता जी दिवस, और जो हमें स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिली उसके पीछे एक बहुत बड़ा मूवमेंट था गांधी जी का, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। जी तो वो 15 अगस्त की सफलता का कारण बना क्विट इंडिया मूवमेंट, और मेरी जो स्वतंत्रता, मेरे लिए जो 15 अगस्त बना वो मेरा जो मूवमेंट था कर्मों के लिए क्विट आत्मा मूवमेंट।
मेरा कर्मों के लिए एक मूवमेंट था कि मेरी आत्मा को तो अब कर्मों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट की सफलता 15 अगस्त और जो मेरा मुहूर्त उद्घोषणा का दिवस 15 अगस्त उसकी भी सफलता के पीछे ये मूवमेंट रहा, क्विट आत्मा मूवमेंट। तो बस फिर ये धीरे 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 मतलब वही जो एक लक्ष्य बन गया कि भाई अब तो परमानेंट पाना है, अब टेम्पररी के पीछे नहीं भागना है। फिर बस एक ही भीतर झंकना थी कि एक बस अनंत भव हमने यूं ही व्यर्थ कर दिए हैं, बस एक जो ये मनुष्य भव है ये प्रभु के चरणों में, मेरे वीर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं तो क्या बिगड़ जाएगा। और इतना तो पक्की बात है कि यहाँ मतलब संसार में सुखी दुखी होना चलता रहेगा, लेकिन ये जो संयम जीवन है यहाँ सिर्फ 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 सुख सुख और सुख। जी मैंने शुरू में भी कही थी और अभी मैं ये दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि प्रभु को मानना आसान है, प्रभु को मानना आसान है पर प्रभु की मानना मुश्किल है। और आपने बता दिया कि आप प्रभु की मानने जा रहे हो, जैसे आपने बताया क्विट इंडिया मूवमेंट उससे देश को आजादी मिली, और आपने कहा कि क्विट आत्मा मूवमेंट इससे आप कहते हो कि आपके आत्मा को इस संसार रूपी बंधन से आजादी मिलने वाली है। संयम मुझ हृदय नो धबकार साचो संयम शीघ्र अति शीघ्र मुझने मड़ जोरे।